ग्राम ढुंडेरा में एक व्यक्ति को धारदार चाकू से हमला कर घायल कर देने के मामले में रायपुर से आरोपी संजू साहू एवं एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 23 सितंबर की रात्रि में थाना उतई को सूचना प्राप्त हुआ कि ढुंडेरा में संजू सरदार के द्वारा गांव के ही टीकम साहू को चाकू से हमला किया गया है, जिसमें वो घायल हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसे सेक्टर 9 अस्पताल भेजा गया है। तत्काल मौके पर एक टीम बनाकर रवाना किया गया और साथ ही एक विवेचक की टीम बनाकर सेक्टर 9 अस्पताल भेजा गया था, जहां प्रार्थी से घटना के संबंध में पूछताछ कर मौके पर FIR दर्ज किया गया था। घटना स्थल पर रवाना हुई टीम के द्वारा बताया गया कि आरोपी संजू घटना को अंजाम देकर अपने साथी चोवा के साथ बाइक में भाग गया है, जिसकी पीछा करते हुए उसे रायपुर की तरफ जाना पता चलने पर रायपुर से टीम के द्वारा पकड़कर हिरासत में लाया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि भागने के दौरान नहर में ही चाकू को फेंका गया था, जिसे घटना स्थल ले जाकर उसकी निशानदेही पर चाकू को जब्त किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। मेमोरेंडम के आधार पर उसे जब्त कर घटना में प्रयुक्त चाकू और हथियार को उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।